أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين। बकी एक ऐसी खाली जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर मुख्तलिफ नौइयत के दरख्त खड़े हुए हों। मदीने के अतराफ में कई जगह को बकी कहा गया है, जैसे बकीउल ज़ुबैर, बकीउल खबजबा या बकीउल गरकत। चूँकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त थे, इसलिए इनको मुख्तलिफ नाम से बकी कहा गया है। लेकिन बकीउल गरकत एक ऐसी जगह को कहा जाता है कि जहाँ पर खारदार दरख्त हों, झाड़ियाँ हों, ऐसी जगह को बकीउल गरकत कहा गया है। गरकत खारदार दरख्त को कहा जाता है। जिस वक्त रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत की, तो पहली सनी हिजरी में आपने इस जगह को कब्रिस्तान करार दिया। और तारीख़ से ये भी पता लगता है, ये भी मालूम होता है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को बाज़ लोगों के लिए हदिया किया, जिन्होंने वहाँ पर साहिबान दुरुस्त किए और घर भी बनाए। अगरचे बाद में वो घर और वो साहिबान उन ख़ानदान से मुतालिक मुर्दों के दफन होने की जगह करार पाए। जो बकीउल गरकद है, इसको जन्नतुल बकी कहा जाता है, और इसमें सबसे पहले दफन होने वाले हजरात महाजरीन में से उस्मान बिन मज़ून हैं और अंसार में से असद बिन ज़ुरारा हैं। उस्मान बिन मज़ून रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जिनको जब आपने जन्नतुल बकी में दफन किया तो आपकी कब्र पर पत्थर नस्ब किया, जिसको मरवान बिन हकम ने अपने ज़माने में उनकी कब्र से हटाकर उस्मान बिन अफ़ान की कब्र पर नस्ब कर दिया, और उस दीवार को भी हटा दिया गया कि जो बकीउल गरकत या जन्नतुल बकी के बीच में और यहूदियों के कब्रिस्तान के बीच में वाक़ थी। तारीख में ये बात मुसल्लम है कि उस्मान बिन मज़ून को जन्नतुल बकी में दफन किया गया और उस्मान बिन अफ़ान को यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन किया गया, जिसको हुश्रे कोकब कहा जाता है। जन्नतुल बकी में दीगर बहुत सी अज़ीमुश्शान हस्तियां दफन हैं, जिनमें चार इमाम भी हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। तो इसके इन्हदाम की तारीख दूसरी मर्तबा जो इसको मुनहदिम किया गया है वो 8 शव्वाल 1344 हिजरी में वहाबियों ने इसको मुनहदिम किया। और यही जन्नतुल बकी नहीं बल्कि मक्के में जन्नतुल मौला को भी मुनादिम कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया, और वहाँ पर जो कुब्बे थे, गुम्बदे थी, उनको भी ज़मीन दोज कर दिया गया। इसी तरीके से अहद की वादी में जनाब हमज़ा, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनके मज़ार को भी ज़मीन दोज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये तमाम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला, अहद की वादी में जनाब हमज़ा की कब्र को ज़मीन दोज किया गया,
तो फिर कैसे रोज़ाए रसूल बाकी रह गया? या ये कहा ये कि वो रोज़ाए रसूल को पहले ही अपने मंसूबे से अलग कर चुके थे या उसमें कामयाब नहीं हुए? तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वो रोज़ाए रसूल उनके मंसूबे में नहीं था, बल्कि हुआ ये कि जिस वक्त जन्नतुल बकी और जन्नतुल मोहल्ला को मिसमार किया गया तो मुसलमानों ने एहतजाज किया और ऊंचे पैमाने पर ये एहतजाजात हुए, यहाँ तक कि शिया सुन्नी तमाम लोगों ने एहतजाज किया, जिसमें ज़्यादातर एहतजाज करने वाले शिया हजरात थे। लेकिन जब रोज़े रसूल का मसला आया तो उसमें मुसलमानों ने, अहले सुन्नत वल जमात ने बहुत सख्ती से एहतजाज किया और आले सऊद को ये खौफ महसूस होने लगा कि अगर हमने रोज़े रसूल को मिसमार किया तो दुनिया भर के मुसलमान हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये अपना मंसूबा बदल दिया और उससे आगे कदम ना बढ़ाया। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।